इस तरह है कि कल जिहड़ा हादसा होया उस करके मन बहुत भरिया होया है। तो मेरा किसी तरह भी कोई प्रेस नूं संबोधन करन दा विचार नहीं सी, पर तुसी लोग ने भी अपना कम करना है, इसलिए मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि कल दी घटना तो बाद जिहड़े हिरदे बलुंदरे गए है ते मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शन वास्ते आया। हंडावा साहब पहला आके गए है तो हुण मेरे नाल फिर आए है। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। कोई भी इस तरह की घटना करने लई जे कोई माड़े मनसूबे नाल आया तो साडियां इंटैलीजेंसियां उन्होंने कोशिश करेगी नब करन, उन्होंने फड़न। तो जे कोई इस तरह का संगत के ध्यान में भी आता वह भी ध्यान रखे। सरकार भी कोई पड़ताल करेगी इस सारे घटना करन दी? 100% होनी है, इस दी तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी और पहुंचा जाएगा। अपने वालों मैं इस देखो इस चीज़ की सेंसिटिविटी देख के इस चीज़ के दुख को देख के ही मैं तुरंत इत्थे आया ते इस चीज़ का असी पूरी घोख करांगे ते इहदी तह तक पहुँचांगे। तो इस तरह दीआं घटनावां ना होण उस लई मैं पूरे पंजाबियों नूं अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वह किसी भी धर्म नाल रिलेटड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखिया जावे। हो सकदा है कि चुनावां करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलण दी कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वह इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरद्वारियां दा ध्यान रखण, मंदरां दा ध्यान रखण, धार्मिक थावां दा ध्यान रखण, तो आपसी सद्भावना ते प्यार ते अमन शांति बनाई रखण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।